जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं आज के हमारे कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हुए हैं जो आप लोगों के लिए पेपर के माध्यम से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे और आगामी परीक्षाओं में ये जरूर ही पूछे जाएंगे। तो चलते हैं देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा हो जाता है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन देखें, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी समृद्धि की मूर्ति का अनावरण पीएम मोदी के द्वारा 11 नवंबर को किया जाएगा, यह नाम किसे दिया गया है, या मतलब स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी जो है ये नाम किसको दिया गया है। तो देख लेते हैं, महावीर स्वामी को, सरदार पटेल को, या कैंपेगौड़ा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, कैंपेगौड़ा। कैंपेगौड़ा की मूर्ति जो है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी समृद्धि की मूर्ति के नाम से जानी जाएगी और ये 11 नवंबर को कहाँ, तो 11 नवंबर को ये बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु हवाई अड्डे, ठीक है, इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर, ये कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ है तो बेंगलुरु में है, वहाँ पर ये इसकी स्थापना हो चुकी है, इसका अनावरण उद्घाटन किया जाएगा, ठीक है, उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो ये है, देख लीजिए, ये ऐसी मूर्ति बनी हुई है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है, केंद्र सरकार ने राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन अक्टूबर 2022 में किस जगह किया है। तो ये दिल्ली में किया है, आगरा में किया है, सूरजकुंड फरीदाबाद में किया है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, सूरजकुंड फरीदाबाद में। केंद्र सरकार ने राज्यों के गृह मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन अक्टूबर 2022 में सूरजकुंड फरीदाबाद में किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, पीएम मोदी ने किस बैठक में सभी राज्यों से एक राष्ट्र एक पुलिस वर्दी का आह्वान किया है। तो राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर, अंतर राज्य परिषद बैठक, या फिर जीएसटी काउंसिल बैठक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, राज्यों के गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में सभी राज्यों के एक राष्ट्र एक पुलिस वर्दी का आह्वान किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार हीट वेव के कारण भारत में सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेंटर को जीडीपी में कितना नुकसान हुआ है। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 के अनुसार हीट वेव के कारण भारत के सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेंटर को जीडीपी में कितना नुकसान हुआ है। तो 5.4%, 4.3%, या 7.2%, या फिर 2%। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, 5.4%। 5.4% क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेंटर में जीडीपी को इतना नुकसान ये हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, विश्व बचत दिवस कब मनाया गया है, विश्व सेविंग डे कब मनाया गया है, ये कब मनाया जाता है। तो 30 अक्टूबर को, या फिर 29 अक्टूबर को, या फिर 28 अक्टूबर को, या फिर 27 अक्टूबर को। तो विश्व सेविंग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 30 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, कोटे डी आइबर गणराज्य में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो कौन नियुक्त हुए हैं, या किसे नियुक्त किया गया है। तो ये हैं राजेश रंजन, राजेश खन्ना, या महेश सिंह, या फिर उमेश सिन्हा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1, राजेश रंजन। राजेश रंजन को कोटे डी आइबर गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये हैं राजेश रंजन जी। अगला देख लेते हैं अन्य, तो स्लोवाक गणराज्य में अपूर्वा श्रीवास्तव को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। सीवी जॉर्ज को जापान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद्र को इरिट्रिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नागे सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और विक्रम दोराई स्वामी को यूके में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नामित किया गया है। आदर्श सिविका को कुवैत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और पार्थ सत्यपथी को बोस्निया और हर्जेगोविनिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा,
तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्रख्यात कलाकार नील पवन बरुआ का निधन हुआ है, यह कहाँ के थे? तो ये असम के थे, मेघालय के थे, छत्तीसगढ़ के थे या फिर उड़ीसा के? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है एक, असम। असम के प्रख्यात कलाकार नील पवन बरुआ का हाल ही में निधन हुआ है, तो यह कहाँ के थे? तो ये असम के थे। ये इनका फादर के हैं नील कमल बरुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कौन सी राज्य सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी? कौन सी राज्य सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल या फिर महाराष्ट्र? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है चार, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगी। देख लेते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री ने वंदे भारत वंदे मातरम पहल शुरू की हुई है। महाराष्ट्र सरकार नीति आयोग जैसी एक संस्था की स्थापना करेगी। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। मारवत उत्सव नागपुर में मनाया जाता है। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर एसी बस मुंबई में शुरू हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा देने की घोषणा हाल ही में की हुई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्री को, टाटा को या फिर अडानी पावर को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है दो, टाटा। टाटा को भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसको? तो टाटा को। कौन सा देश भारत का सातवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है? तो रूस बना है, अमेरिका बना है, फ्रांस बना है या फिर चीन? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है एक, कौन सा है? तो रूस। रूस देश भारत का सातवां सबसे बड़ा भागीदार देश बना हुआ है। रूस के पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स फिलिप शॉर्ट के द्वारा लिखी गई है। रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला लिया है। 2022 में भारत का सबसे बड़ा डॉय अमोनियम फास्फेट खाद आपूर्तिकर्ता रूस बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित किया गया है? तो ये रूस है, बेलारूस है, ईरान है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से हमारा उत्तर हो जाएगा एक, दो, तीन, तीनों को। अभी हाल ही में ईरान को किया गया है, इससे पहले रूस और बेलारूस को किया गया था। कब? तो रूस और बेलारूस को इससे पहले किया गया था और अभी हाल ही में ईरान को किया गया है नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बोरो प्लस क्रीम के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अक्षय कुमार बने हैं, विराट कोहली बने हैं, अजय देवगन बने हैं या फिर आयुष्मान खुराना? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है एक, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार बोरो प्लस क्रीम के नए ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में नामित हुए हैं। देख लेते हैं अन्य। पिंटोला ने सूर्य कुमार यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। फायरबोल्ट ने विजय देवरकोंडा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बने हैं। बंधन बैंक ने सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ओमारा डिट्स ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अबोल कारो ने अजय देवगन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। गल्फ ऑयल ने स्मृति मंधाना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।